नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। आज भी बेहद ही खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं अलग अलग सेगमेंट में। सबसे पहले विज्ञान और किसान में हम बात करेंगे किस तरीके से गाय के गोबर से अब जो दिए हैं वो बनाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपको जानकारी दी जाएगी एक ऐसे सफल पशुपालक के बारे में जो कि दूसरे पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, और इनका नाम है संजय भल्ला। और आखिरी सेगमेंट यानी फार्मिंग इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ आज आपको हम खास तौर से जानकारी देंगे कि कैसे ना सिर्फ गाय भैंस बल्कि ऊँटनी का जो दूध है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। तो सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी, ना सिर्फ कृषि बल्कि उसका पूरक माना जाता है पशुपालन। तो आज खासतौर से पशुपालन से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देंगे। और आइए इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं विज्ञान और किसान में। आज आपके लिए जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो अपने आप में बेहद खास है और आपके लिए नई भी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब हमारे किसान और पशुपालकों को बताया जा रहा है कैसे वो गाय के गोबर से दीयों का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, वही दीये जो कि त्यौहारों के मौके पर और ख़ासतौर से आने वाले समय में जब दीपावली का त्यौहार होगा तो वहाँ पर अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं। किस तरीके से नई तकनीक जो है वो ईजाद की जा रही है और कैसे इसका फ़ायदा पशुपालकों को मिलेगा, आइए जानते हैं। दीपावली पर लोग दिए जलाकर अपने घरों को रोशन करते हैं। ये दीप मिट्टी या फिर क्ले के बने होते हैं, लेकिन अब देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गोबर के दिए बनाने में कामयाब हुए हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले गोबर को धूप में थोड़ा सुखा लेते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी जाती है। दियों को खुशबूदार बनाने के लिए नीम, लेंटाना, लेमन ग्रास, तुलसी के पत्ते और गांव में ही मौजूद दूसरी सुगंधित पत्तियों को भी गोबर में मिलाया गया, लेकिन मिलाने से पहले पत्तियों को सुखाकर पीस लेना जरूरी है। इस पूरे मिश्रण को अब अच्छे से गूंथ लेंगे। लीजिए, अब ये दिए बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुखाने के बाद दियों पर गेरुआ रंग कर दिया जाता है और फिर इन पर हल्दी और पिसे हुए चावलों से डिजाइन बनाए जाते हैं। इस तरह दिए न सिर्फ खूबसूरत बन जाते हैं बल्कि पर्यावरण हितैषी भी हैं। इतना ही नहीं, इन दियों को रोशन करने के लिए तेल की जगह मोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोबर से बने होने की वजह से ये दिए अलग पहचान बना रहे हैं। इनसे निकलने वाली खुशबू इनकी विशेषता में चार चांद लगा रही है। शायद इसी कारण क्ले की जगह गोबर के हर्बल दिए पसंद किए जाने लगे हैं। इन दियों की राख कीटनाशक का काम करती है। पौधों पर इसे छिड़क कर कई तरह के कीटों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बिना जले दियों को खेतों में डाल देंगे तो गोबर की खाद का काम करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि इन्हें बनाने के लिए सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ गांव में ही प्रकृति से मुफ्त में मिल जाएगा। देहरादून कृषि विज्ञान केंद्र को ख्याल आया कि इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल सकता है। यही सोचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। सीता भट्ट देहरादून जिले में ही रहती हैं। उन्होंने मोम और बिना मोम वाले 50,000 दीप तैयार किए और एक ही सीजन में 70,000 रुपए कमाए। इनकी मेहनत से खुश होकर उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेले में भी इनके दिए इस्तेमाल किए गए। सीता भट्ट अब तक अलग अलग गाँव में रहने वाली 100 से ज्यादा महिलाओं को दिए बनाने का हुनर सिखा चुकी हैं। इनसे प्रशिक्षण लेने वालों में स्वयं सहायता समूहों की भी कई सदस्य शामिल हैं। दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रीन पटाखे खोज निकाले और अब गोबर के दिए रोशनी के त्योहार को और ज्यादा पर्यावरण हितैषी बनाएंगे। तो जाना आपने कैसे गाय के गोबर से दीयों का निर्माण किया जा रहा है और इसके जरिए भी हमारे किसानों को पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं अक्टूबर माह के पशुपालक कैलेंडर पर, जिससे हमारे पशुपालक जो हैं अपने पशुओं को निरोगी रख सकें।
माह से सर्दी का असर शुरू हो जाता है, अतः ठंड से बचने के लिए उचित प्रबंध कर लिया जाना चाहिए। अतः माता एवं बच्चों के लिए संतुलित आहार, मौसम संबंधी बचाव एवं पर्याप्त आवास की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस माह में जई या बरसीम की उत्तम किस्में मिट्टी के अनुसार बो देनी चाहिए, जिससे कि पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिलता रहे। ठंड से बचने के लिए पशुओं को 25 ग्राम से 50 ग्राम प्रत्येक दिन गुड़ खिलाया जाना चाहिए। चूंकि हरे चारे की अधिकता रहती है, अतः इसे संतुलित मात्रा में ही दिया जाना चाहिए एवं शेष बचे हरे चारे को भविष्य के लिए सुरक्षित करने हेतु पुआल या साइलेज बना लिया जाना चाहिए। दुधारू पशुओं में 50 से 100 ml तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाया जाना चाहिए। रूटीन चक्रीय डीवर्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास एवं भोजन आदि पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप में एक सफल पशुपालक की, जिनका नाम है संजय भल्ला। और ये पेशे से तो इंजीनियर रहे, लेकिन पशुपालन क्षेत्र में भी आज के समय में दूसरे पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। इन्होंने ना सिर्फ जो देसी गाय पालन है उसको अपनाया, जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया और ख़ासतौर से आज के समय में तो दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ अतिरिक्त आमदनी इनको हो रही है बल्कि जो दूसरे पशुपालक हैं वो भी इनके पास आ रहे हैं, जिससे इस तकनीक को वो जान सकें और इस मुनाफे को बढ़ा सकें। तो कैसे संजय भल्ला ने ना सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाया बल्कि पशुपालन क्षेत्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। संजय भल्ला पेशे से एक केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन खेती और पशु प्रेम ने इन्हें खेतीबाड़ी की तरफ आकर्षित कर लिया। वर्तमान में नोएडा स्थित अपने खेतों में जैविक विधि द्वारा खेती करते हैं
और विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाते हैं। इसके अलावा संजय भल्ला मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, देसी गाय पालन भी कर रहे हैं। इनकी फार्म 38 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें वे खेती और पशुपालन करते हैं। देसी गायों में इन्होंने गिर गाय को चुना है। गाय पालन की शुरुआत इन्होंने वर्ष 2013 में की थी। इनका मानना है कि देसी गायों का एक अलग स्थान है। इनसे न सिर्फ दूध बल्कि दूध से प्राप्त होने वाले उत्पादों से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पोषण प्राप्त कर सकता है। हमारे पास एक्सक्लूसिवली खाली गिर है और सारी देसी गाय एक जैसी है, परंतु हमने तब पढ़ा था कि गिर गाय में सबसे ज़्यादा A2 प्रोटीन होता है और ब्राज़ील में ये बहुत ज़्यादा गाय गई, तो हमने उसी को लेके गिर गाय ली। बाकी सारी गाय एक जैसी है, हमारे पास एक्सक्लूसिवली गिर है। रेगुलर इनका जो चारा है, स्पेशली ग्रीन फॉडर जिसको कहते हैं हरा चारा, वो हम अपने अंदर ही यहाँ उगाते हैं। अलग अलग ज़मीनें हमने ली हुई है पट्टे पे, तो ज्वार बाजरा सीज़न के हिसाब से जो आजकल चल रहा है, मक्का और इसके पहले बरशम जई, ये सब हम यहीं उगाते हैं। और इसके अलावा राशन वगैरह देते हैं, भूसी देते हैं, तो पूरा जो इनका स्टैंडर्ड है 2.5 किलो भूसी एक टाइम पे, 2.5-3 किलो राशन, 8 से 10 किलो हरा, ये पर मील का है, ट्वाइस ए मील, दो दफ़े दिन में ये हम देते हैं। इसके अलावा और भी एडिशन, जैसे कभी लड्डू खिला दिए देसी घी के, कभी जौ के, ये सब चीज़ें अलग से करते रहते हैं। और इनको डेली बेसिस के ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर्ब्स देते हैं, अश्वगंधा, जिवंती, शतावरी, डेली बेसिस के ऊपर। उससे क्या इनके अंदर इनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इनका पाचन शक्ति बढ़ता है, इनको बीमारी नहीं आती। और इनके जो कीड़े मकोड़े के लिए हम क्या करते हैं, हर्बल एसेंशियल ऑयल जिसको कहते हैं, टी ट्री, लेवेंडर, उसके अलावा नीम, लेमन ग्रास, इसका हम इनके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं रेगुलरली शाम को, तो इससे इनकी बॉडी भी ठीक रहती है और इनकी इम्यूनिटी भी रहती है, कीड़े भी नहीं होते और इनके अंदर केमिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन नहीं होता, मतलब ना दूध में जाएगा ना पशु के ऊपर आएगा। सदियों से गाय को पूछते रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण थे, तो यही कारण थे कि वो एक अपने दिलों से, मतलब हर तरीके से आपकी लुक आफ्टर करती थी। आप उसकी परवरिश करें, वो आपको एक्सपोनेंशियली उससे 10 गुना ज़्यादा देगी। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है, अगर लंग है, अस्थमा का जैसे रिलेटेड है, या हार्ट इश्यूज़ हैं, और भी जो डिजीज़ हैं, हार्मोनल बैलेंसेज इम्बैलेंसेज हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। गाय के अंदर ज़रूर कोई ना कोई हल है, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, बट उस पर हम काम कर रहे हैं। तो छोटे लेवल पे एक टेस्टिमोनियल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को गौमूत्र दे रहे हैं, और गौमूत्र के साथ पूर्ण नवा है, सब्द गंधा है, अश्वगंधा है, इसको डिस्टिल करके हम दे रहे हैं। अभी इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि एक अलग से लोगों को हम दे रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं, और उनको इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है कि जितना दूध से आया जो मैजिक हुआ वो इसी से हो रहा है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर अर्बन वेलनेस, इट इज अ सॉल्यूशन फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन। देसी गायों के गोबर और मलमूत्र जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और भी बढ़ जाती है, और उन खेतों में उगी सब्जियों में भी अलग ही खूबी और स्वाद पाया जाता है। जैविक विधि द्वारा उपजे सब्जियों और गिर गाय से प्राप्त उत्पादों को वे लोगों तक उपलब्ध भी कराते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट भी है जिस पर वे उनके फार्म के उत्पादों को ऑनलाइन बेचते हैं। देसी गायों से बने A2 घी की मांग को देखते हुए इनका मानना है ये एक टिकाऊ व्यवसाय है जिससे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मैं गए थे तो वहाँ पे हमने घी खाया, तो घी जब खाया तो उससे बॉडी में एक एनर्जी, एक अजीब सा लगा, कभी ज़िंदगी में घी नहीं खाया था, और फिर उसका अच्छा जो लगा तो उसको मैंने साइंटिफिकली थोड़ा देखा, जैसे मेरा HDL 24 था, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई थे, फिर मैंने 3-4 महीने खाया तो मैंने देखा मेरा HDL 35 हो गया, आज की डेट में मेरा HDL जो है 43, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ट्राइग्लिसराइड मेरे बहुत कम हो गए, और मैं एकदम हेल्दी हो गया, 95 किलो से 82 आ गया, और मेरा मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा हाई है, एट 82 आई एम ईटिंग 4 times, 4 गुना ज़्यादा खाता हूँ उस टाइम से अभी तक। तो ये जब घी में इतना मैजिक आया था तो हमने सोचा दूध कैसे उपलब्ध हो, तो आसपास कोई वो था नहीं, ये जगह थी हमारे पास, तो हमने यहाँ से पहले 2-4 गायें लाके अपना शुरू किया और तो उसका दूध का एक्सपीरियंस लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि संजय भल्ला ने भविष्य में आने वाले युवा किसानों को एक नई राह दिखाई है और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में भी तमाम अवसर हैं और इनका लाभ हमारे पशुपालक उठा सकते हैं।
फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो फार्मिंग इंडिया में खासतौर से आज आपको हम जानकारी देंगे ऊटनी के दूध के बारे में भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कि कैसे दूध के जरिए हमें जो पोषण है वो सही मात्रा में मिलता है या जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति की जाती है। और अक्सर हम सुनते हैं गाय या भैंस के दूध के जो फायदे हैं, लेकिन आप जानते हैं जो ऊटनी का दूध है वो भी हमारी सेहत के लिए बेहद लाभदायक है, लेकिन इसकी जानकारी आमतौर पर जो पशुपालक हैं उनको नहीं हो पाती। किस तरीके से ऊटनी का दूध जो है उसके ज़रिए आपको और भी ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ना सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति बल्कि आर्थिक रूप से भी। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जिस तरह से गाय, भैंसों और बकरी से दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक उसी तरह से ऊंटनी से भी दूध उत्पादन किया जाता है। इससे प्राप्त दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये मनुष्य के मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ऊंटनी के दूध का प्रयोग पीलिया, टीबी, दमा और खून की कमी जैसी खतरनाक बीमारियों से निपटने में भी फायदेमंद साबित होता है। ऊटनी के दूध में लैक्टोफेरिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके उपयोग से खून में शुगर लेवल कम करने में भी लाभ मिलता है। ऐसा मानना है कि इससे इंसुलिन की मात्रा संतुलित रहती है। इसके दूध से कैलोरी और फैट के मामलों में भी कमी देखी गई है और इसे पीने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा नहीं होता है। इसके अलावा ऊटनी के दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी होता है, जिससे हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। साथ ही यह लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। ऊटनी का दूध बहुत ही हल्का होता है और इसे पीने के तुरंत बाद ही ये पच जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, लैक्टिक अम्ल, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी टू, विटामिन सी, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज आदि तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व शरीर को हर रोग से मुक्त करते हैं, यहाँ तक कि ये कैंसर रोग में भी कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे में पशुपालकों के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऊंट पालन भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। पशुपालक अगर अपनी सूझबूझ और वैज्ञानिक तरीकों से ऊंट पालन कर दुग्ध उत्पादन करें तो लाभ कमा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नियम बनाए हैं।
ऊंट का सरकारी पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने ऊंट बीमा में भी बढ़ोतरी की है, इसलिए अब ऊंट पालकों को अपने ऊंटों का बीमा करवाना बहुत जरूरी है। तो जाना आपने किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार किसानों और पशुपालकों के बीच पहुंच रही हैं, और ना सिर्फ माध्यम जो है योजनाएं हैं बल्कि डिजिटलीकरण के जरिए भी सारी जानकारी जो है किसानों को दी जाती है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं अलग अलग मोबाइल ऐप्स की जिसका फ़ायदा हमारे किसान और पशुपालकों को मिल रहा है, आज खासतौर से आपको हम जानकारी दे रहे हैं मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। क्या ये ऐप है और किस तरह का लाभ या जानकारी इसके ज़रिए आपको मिल सकती है, आइए देखते हैं। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति वार और विषय वार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल मौजूद है। यहाँ पर प्रसिद्ध जल कृषि विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों पर बात करते हैं। खासतौर से कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा मत्स्य सेतु ऐप पर मरेल, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन विधियों का पालन करने के अलावा जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे छोटे वीडियो अध्याय तैयार किए गए हैं। ऐप पर प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है, शिक्षार्थी इनका जवाब देकर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र खुद ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप लॉन्च करते हुए मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मछली कृषकों की क्षमता निर्माण और जल कृषि विकास में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड-19 महामारी के कारण मछली किसान अनुसंधान संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो सके थे। यही वजह है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप इस समय की महत्वपूर्ण जरूरत है। ये ऐप किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन में मददगार साबित होगा। उन्नत तकनीकों को सीखने के बाद मछली पालक निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। ये ऐप देश भर के हितधारकों, खासतौर से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम करेगा, साथ ही व्यापार में आसानी लाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि मत्स्य सेतु ऐप सीखने और सिखाने का अद्भुत मंच साबित होगा। और आइए अब कृषि दर्शन में नज़र डालते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स पर। खासतौर से पशुपालन क्षेत्र की अगर बात की जाए, हम सभी जानते हैं नारियल का तेल जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पशु स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और खासतौर से अगर पशु को कहीं चोट या घाव है वहाँ पर किस तरीके से मदद कर सकता है, आइए देखते हैं। नारियल का तेल पालतू पशुओं के लिए एक उत्तम बाम। नारियल का तेल पशु के घावों को नम कर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी से लड़ने में सहायता करता है। तो देखा आपने किस तरीके से कृषि का पूरक माने जाने वाला पशुपालन क्षेत्र अलग अलग अवसरों से पूर्ण है, और इसके जरिए भी हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में तो ये सारी जानकारी आपने ली ही, साथ ही आपको बता दें इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। साथ ही इससे पहले जो प्रसारित कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि और पशुपालन क्षेत्र की नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी, सुनिए उनकी जुबानी। हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? कहां पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वर भी, हर ताल भी, सुर भी और सांस भी, बस राम है, बस राम है। अयोध्या की इस नगरी के हर कण में अगर कोई स्वर गूंजता है तो वो सिर्फ जय श्री राम। जाऊंगा हनुमानगढ़, दुनिया में बजरंग बली का इकलौता मंदिर जहां वो राजा के रूप में विराजमान है। चखूंगा स्वाद अयोध्या के देसी नाश्ते का, दही के साथ जलेबी। भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है, और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं। हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा जरूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को, ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी दिशा। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी, इस गाँव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, देखिए सोमवार से शुक्रवार 9:30 पर। बदलते भारत की शान।